उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में खनन माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने बेनामी संपत्ति को लेकर खनन माफिया हाजी इकबाल बाला पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। सहारनपुर में खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की कोठी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। हाजी इकबाल की यह कोठी सहारनपुर के पॉश कॉलोनी में बनी है। सोमवार को शुरू हुई प्रशासन की यह कार्रवाई दूसरे दिन यानी मंगलवार की देर शाम तक जारी रही। हाजी इकबाल की कोठी को जमीन दोज करने के लिए एसडीएम सदर किसुंग श्रीवास्तव की अगुवाई में सहारनपुर प्राधिकरण का बुलडोजर और पोकलेन मंगलवार को भी जमकर बरसा। बुलडोजर की इस कार्रवाई में हाजी इकबाल का आलिशान मकान चंद मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस हो गया। आपको बताते चलें कि यूपी में बाबा के बुलडोजर की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई जिसमें बुलडोजर ने अच्छी खासी कोठी को पूरे तरीके से जमीन दोज कर दिया। सहारनपुर में हाजी इकबाल के आलिशान कोठी को तहस नहस करने से पहले बाबा का बुलडोजर बीते दिनों प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के आरोपी जावेद पंप की कोठी पर भी चला था, जिसमें देखते ही देखते हिंसा के आरोपी का घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था। हाजी इकबाल की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलने से पहले भी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस हाजी इकबाल के तीनों बेटों को गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेज चुकी है। हाजी इकबाल की ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्रशासन की रडार पर है। हाजी इकबाल, उसके बेटों और भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली पर अवैध खनन, भूमि कब्जाने, अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने सहित कई आरोपों में मामले दर्ज। हाजी इकबाल की कोठियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने के बाद अब हाजी इकबाल की गिरफ्तारी की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।